आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज, आपकी बुलंद आवाज। मुजफ्फरनगर कचहरी परिसर स्थित जिला अधिकारी कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के नेतृत्व में दर्जनों ग्रामीण थाना छपार क्षेत्र के खुड्डा गांव पहुंचे, जिन्होंने जिला अधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन जिला अधिकारी महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम सौंपते हुए बताया कि गांव खुड्डा में कूड़ा घर नहीं है। हम लोगों के घरों के सामने हर समय गंदगी लगी रहती है। हम लोग सड़क के दूसरी तरफ काफी समय से कूड़ा डालते आ रहे हैं, लेकिन मौजूदा ग्राम प्रधान ने कूड़ा डालने की जगह उठवा दी। इसलिए हम ज्ञापन के माध्यम से मांग करते हैं कि हमें कूड़ा घर बनाने के लिए कुछ जगह दी जाए, जिससे हम वहां पर अपने घरों से निकलने वाला गंदा कूड़ा डाल सकें। मुजफ्फरनगर से लाइव टुडे के लिए संवाददाता रोहित त्यागी की रिपोर्ट। मेरा नाम ललिता चौधरी है। जी ललिता जी, आज आप गेहूं की धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ग्रामीणों के साथ में, क्या वजह? वजह यह है, मैं भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की जिला अध्यक्ष हूँ मुजफ्फरनगर से। मेरा तो सभी जगह क्षेत्र पड़ता है। आज ग्राम खुदेगा खत्तों का मामला है, इनके पास में कूड़ा डालने की जगह नहीं है और ये लोग बहुत परेशान हैं और इनके घरों में कूड़ा पड़ा है। और हम ये चाहते हैं मुख्यमंत्री से नाम विज्ञापन देंगे और हमारे जो अधिकारी हैं इनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई इन्हें खत्ते की जगह दिए जाए और भाई इनको कहीं भी जगह दे दें, किसी भी जगह दे। ये लोग सड़क पर कूड़ा डाल लेते हैं, खत्ते डाल रखे थे बराबर में और वहीं से ही पहले से ही डब्बे लाई डालते आ रहे थे और हम चाहते हैं इन्हें खत्तों की जगह किसी भी जगह दे, और नहीं तो हम प्रशासन से भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति की ओर से हम धरना प्रदर्शन करेंगे और यहीं पे ही जमा हो जाएंगे। जहाँ पर पहले कूड़ा डाल लेते वहाँ पे अब डालने में क्या प्रॉब्लम है? वहाँ पे प्रधान नहीं डालने दे रहा है, प्रधान की वहाँ से प्रधान ने खत्ते इनके उठवा दिए हैं। इन्हें बहुत दिक्कत होगी, इनके घरों में बहुत गंदगी उठी पड़ी है। उस समय आज 4-5 दिन की बात हो गया, ये लोग बहुत परेशान हैं, इसीलिए यहाँ पे जिला अधिकारी के पास में अपना समस्या को लेकर आए हैं। हमारी लोक शक्ति भारतीय किसान यूनियन कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ रहे।